सिंगरौली जिले के पीडब्ल्यूडी विभाग में दैनिक वेतन भोगियों का पेमेंट नहीं होने के चलते 4 अगस्त को सिंगरौली पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यालय को जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर सील किया गया था। बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग के दैनिक वेतन भोगियों को वेतन भुगतान नहीं किया गया था, इसीलिए विभाग को बंद किया गया था। वहीं अब 16 दैनिक वेतन भोगियों को 1,08,81,632 रूपये का भुगतान किया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कार्यालय को खोल दिया। आपको बता दें कि वीएस मरावे कार्यपालक यंत्री पर आरोप था कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का भुगतान नहीं कराया था, जिसके बाद राम नरेश रावत की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विभाग को वेतन नहीं देने के चलते सील करने का प्रशासन आदेश दिया था। वहीं लेकिन अब पी सिंगरौली जिले के पीडब्ल्यूडी विभाग को खोल दिया गया है। दैनिक वेतन भोगियों के शिक्षकों के भुगतान से संबंधित कार्रवाई थी, जिसको माननीय सरकार ने जारी किया था और लोक निर्माण विभाग कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सिंगरौली द्वारा शिक्षकों को भुगतान न करने के कारण न्यायालय के आदेश दी गई थी और दिनांक 4 अगस्त 2022 को कार्यालय को सील करने की कार्रवाई की गई थी और इसके उपरांत विभाग द्वारा प्रयास करके उन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के शर्तों के निराकरण के संबंध में कार्रवाई की गई। प्रमुख का भुगतान कर दिया गया बाईस तारीख को ये कार्रवाई करके, इसलिए आज कार्यालय खोला जा रहा है द्वारा।